हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? तो ये है आज की हमारी रीडिंग की, व्हाट आर द एक्शंस टुवर्ड्स अस फॉर ट्विन फ्लेम्स। तो अगर हम लोग ट्विन फ्लेम्स हैं तो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन हमारी तरफ क्या एक्शन लेने वाले हैं? तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपके पास है तीन ऑप्शंस, रेड, सिल्वर और पिंक। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अपने डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में या डिवाइन फेमिनिन के बारे में सोचना है और अपने लिए एक पाइल चूज करना है। आप अपने आंखें बंद कर लीजिए थोड़े ही टाइम के लिए, वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए और फिर जो कलर आपको अट्रैक्ट करे उसी कलर को पिक कीजिए। तो आप जो है पिक कीजिए। तब तक हम शुरुआत करेंगे पिंक के साथ। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के आपके तरफ एक्शंस क्या होने वाले हैं अगर आप ट्विन फ्लेम्स हैं तो। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके ट्विन फ्लेम्स जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा फियर में है। उनको अपने फ्यूचर का कुछ पता नहीं, वो बहुत बेगर टाइप्स फील कर रहे हैं, पैसों के लिए भी और इमोशनली भी। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं लाइफ में, मतलब कुछ सही करियर चूज़ करने के या सही पर्सन चूज़ करने के, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे दोस्तों। यहाँ तक कि मुझे दिखाई दे रहा है कि वो और भी मतलब फियरफुल है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हो। ये कार्ड किसी के लिए भी आ सकता है अगर आप डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन हो, आप लड़की हो लड़के हो। लेकिन अगर ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया मतलब आपके पास बहुत पैसे हैं और आपके पास फाइनेंशियल अबंडेंस है। शायद आपके पास घर गाड़ी बंगला पैसे सब है और उनके पास कुछ भी नहीं है। शायद अगर घर गाड़ी बंगला ना हो तो आपके पास बहुत मतलब आपके पास एक स्टेबल लाइफ तो है, एक अच्छी जॉब, वेल पेड जॉब तो है, जो उनके पास नहीं है। और वो उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है ये बात, उनको बहुत ज़्यादा फियर कर रहा है, उनको अपने फ्यूचर का कुछ पता नहीं। और वो जो है अभी अपने अंदर की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे हैं और अपने लिए कुछ नया चूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। वो किसी एक ऑप्शन की तरफ पैशनेट हो रहे हैं लेकिन अभी भी उनको नहीं पता कि उसको उस चीज़ को, उस पैशन को चूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जहाँ तक कि आपको लेकर के आता है अगर इस रीडिंग में, तो मुझे लग रहा है आपको भी वो चूज़ नहीं कर रहे हैं। आपकी तरह पैशनेट है, अट्रैक्टेड है, लेकिन वो आप मुझे स्टेप लेते हुए दोस्तों वो दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी तक। तो मुझे सिर्फ वो चूज़ ही नहीं कर रहे हैं ना, वो अबंडेंस को चूज़ नहीं कर रहे हैं, वो आपको चूज़ नहीं कर रहे, वो सिर्फ पैशनेट और अट्रैक्टिव हो रहे हैं। तो अगर हम नेक्स्ट स्टेप्स की बात करेंगे तो एक निकालेंगे हम यहाँ से कार्ड कि उनका एग्जैक्टली नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपकी तरफ, क्योंकि ये तो सिनेरियो के कार्ड्स हैं। नेक्स्ट स्टेप उनका नहीं होगा दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप उनके लिए होगा। वो टावर मोमेंट से गुजरेंगे, टफ टाइम से गुजरेंगे, डिफ़िकल्टी से गुजरेंगे और ये तकलीफें उनकी जो है ब्लेसिंग इन डिसगाइज बनेंगी। और फिर उनको एक क्लैरिटी आएगी, उनको अपनी सोल की आवाज़ क्लियरली सुनाई देगी और फिर वो एक ऑप्शन ज़रूर चूज़ करेंगे। तो यही था दोस्तों, व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स टूवर्ड्स यू। ये स्टेप टूवर्ड्स यू ही है लेकिन ये स्टेप उनका नहीं है, ये स्टेप डेस्टिनी का है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए। पिंक जिन्होंने भी चूज़ किया है उनके लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली रीडिंग में। अब हम सिल्वर के साथ जाएंगे, जिन्होंने भी सिल्वर को चूज़ किया है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन के एक्शन क्या है टूवर्ड्स यू। मेरे पास यहाँ पे गुड न्यूज़ है आपके लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट थे कि आपके पर्सन आपके पास नहीं आ रहे हैं और आपको चूज़ नहीं कर रहे हैं,
जो है, और तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, वो जो भी सिचुएशन में है उसको ख़त्म करके, परमानेंटली ख़त्म करके वो आपकी तरफ फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, और जो है फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं क्योंकि वो जो है उनके अंदर कुछ मतलब सेल्फ स्ट्रेंथ आ गई है, उनके अंदर थोड़ा सा करेज आ गया है, अपने ऊपर विश्वास आ गया है, इसीलिए आपके पर्सन का नेक्स्ट स्टेप होगा कि आपकी तरफ आगे बढ़ना। उन्होंने आपको ऐसे देखा है, लविंग केयरिंग मदरली टाइप, सैक्रिफाइसिंग टाइप, वो प्राउड है कि आप उनके लाइफ में हो। ये न्यू जो लाइट में उन्होंने चीज़ें देखी हुई है, तो उनका नेक्स्ट स्टेप है कि वो आपकी तरफ आगे बढ़े। इसमें हम क्लैरिफायर्स नहीं निकालेंगे सिल्वर पाइल के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही क्लियर मैसेज है कि आपके पर्सन आपके लिए आगे बढ़ने वाले हैं, उनका एक्शन होने वाला है कि वो आपकी तरफ आगे आए। अब दोस्तों आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो लव का ही हाथ लेकर के आगे आएंगे, वो फ्रेंडशिप की तरह भी आगे आ सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा स्लो मूविंग कार्ड है। फिर चलिए दोस्तों रेड, जिन्होंने भी रेड को चूज़ किया है, देखते हैं कि उनके पर्सन उनके लिए क्या एक्शन ले रहे हैं। ओके ग्रेट, आपके पर्सन के लिए जो भी डिफ़िकल्ट था छोड़ना, इनडिसीशंस, जो भी बर्डन्स थे उनके लाइफ में, वो ये ख़त्म करने वाले, क्योंकि हमारे पास है वर्ल्ड कार्ड, बहुत अच्छी रीडिंग है दोस्तों। तो वो जो है आपकी तरफ बहुत लविंग और पैशनेट फील कर रहे हैं, आप बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं उनको, तो ये वो आपको कम्युनिकेट करने वाले हैं, और आपको जो है उनको लग रहा है कि वो आपके साथ एक फैमिली क्रिएट कर सकते हैं, एक मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ एक मैरिज एंड हैप्पी मैरिड फैमिली, और वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब आपके लिए आपका घर चला रहे हैं, तो यही है उनका एक्शन आपके लिए। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके पर्सन अपना सब कुछ पुराना एंड करके आपके पास वापस आने वाले हैं। ये इतनी फास्ट तो नहीं हो सकता दोस्तों, इसके लिए मैं जो है इसमें से कुछ कार्ड निकालूंगी आपके लिए एक टाइम पीरियड के लिए, देखते हैं कि अप्रॉक्स कितना टाइम लगेगा कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन को आपकी तरफ आने के लिए, क्या आपके जो भी पर्सन हो वो आपकी तरफ आएंगे ट्विन फ्लेम, तो कितना टाइम लगेगा। ओके आपके लिए कार्ड निकल गया है, 7 months या 7 years, नहीं 7 months लग सकते हैं इस चीज़ के लिए, सेवन अप्रॉक्स, अगर आप जो है वेट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो आपको 7 months से ज़्यादा वेट करना, 7 months तक वेट करना पड़ सकता है, 7 months से ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है, 1 year तक वेट करना पड़ सकता है आपको, 7 years तो नहीं बोलूँगी दोस्तों, मेरे को इतना तो टाइम नहीं लग रहा है यहाँ पर 7 से ज़्यादा ही वेट करना पड़ेगा। तो यही था दोस्तों आपके लिए आज की रीडिंग की, व्हाट आर द एक्शंस टुवर्ड्स यू। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, फैमिली को ज्वाइन कीजिए दोस्तों, हम यहाँ पे एक ट्विन फ्लेम कम्युनिटी, एक ट्विन फ्लेम फैमिली बना रहे हैं, ताकि हम साथ में ग्रो कर सके, साथ में एक दूसरे को हेल्प कर सके, डिप्रेशन से बाहर निकाल सके, एक दूसरे को सपोर्ट कर सके, फ्रेंड्स बना सके इस कम्युनिटी में, और साथ ही यूनियन की तरफ बढ़ सके। तो आई होप आप लोग को ये रीडिंग रेजोनेट की, अगर की है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए फिर मिलेंगे अगली रीडिंग में, बाय बाय।